हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ वाइज में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्रिप में डॉक्टर द्वारा कौन कौन से इंजेक्शन मिलाए जाते हैं या लगाए जाते हैं। तो एक एक करके उन इंजेक्शनों के बारे में जानेंगे कि कौन से इंजेक्शन है जो ड्रिप में मिलाए जाते हैं, और जो कॉमनली यूज होने वाली बॉटल है तो उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ENS हो गया, यानी नॉर्मल सलाइन हो गया, DNS हो गया, डेक्सट्रो नॉर्मल सलाइन, एंड RL यानी रिंगल लैक्टर जो सोल्यूशन होते हैं, और D5 वगैरह डेक्सट्रोज, ये सब बॉटल्स होती हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखना ये होता है कि हमारे जो IV फ्लूड होते हैं वो नसों में ही लगाए जाते हैं। तो ड्रिप में ऐसे इंजेक्शन लगाएं जो IV यानी इंट्रावेनस ही लगाया जाता है, और IM इंजेक्शन जो लगाए या उसको IM जो इंजेक्शन जो होता है इंट्रामस्कुलर, तो उसको अगर गलती से मान लीजिए IM इंजेक्शन अगर ड्रिप में लगा दिया जाए तो जैसे पेशेंट की मौत भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इस बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से इंजेक्शन जो ड्रिप में मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर स्टमक पेन की है। तो ये जब पेट हमारा जैसे हमारा पेट दर्द होता है तो ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो ऐसे दो इंजेक्शन होते हैं जिसमें पहला इंजेक्शन होता है हाउसकेन इंजेक्शन, एंड दूसरा इंजेक्शन जो होता है ड्रोटाबेरिन इंजेक्शन जो ड्रोटिन ब्रांड से बहुत ही फेमस है। तो ऐसे दो इंजेक्शन है जो पेट दर्द अगर किसी का कर रहा है तो ड्रिप के अंदर मिलाए जा सकते हैं। और हमारी जो दूसरी कैटेगरी है वह वोमिटिंग की, यानी वोमिटिंग यानी उल्टी होना। जैसे किसी व्यक्ति का अगर वोमिटिंग हो रहा है या उल्टी हो रही है तब इन इंजेक्शनों का यूज किया जाता है। उल्टी आने के दौरान ये ड्रिप के अंदर लगाए जा सकते हैं। तो हमारा जो पहला इंजेक्शन है ओंडेस्ट्रॉन इंजेक्शन है, तो हम ड्रिप के अंदर लगा सकते हैं। हमारा जो दूसरा इंजेक्शन है मेटोक्लोरप्रोमाइड इंजेक्शन है, इसका भी यूज ड्रिप में किया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है गैस्ट्राइटिस की है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पेट के अंदर जलन हो, गैस बन रही हो, तब इनका यूज किया जाता है। पेंटाप्राजोल और रैनिटिडिन का जो होता है पेंटाप और रैनिटिडिन, ऐसे इंजेक्शन है जो ड्रिप के अंदर लगाए जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में जलन हो या गैस हो तो ठीक है, तो पहला जो होता है पेंटाप्राजोल और दूसरा जो होता है रैनिटिडिन है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा तो इसमें जो होता है रैनिटिडिन इंजेक्शन है। और हमारा जो सेकेंड इंजेक्शन है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है, तो गैस के लिए या पेट जलन के लिए इसका भी यूज किया जाता है। तो ये दोनों इंजेक्शन जो होता है ड्रिप के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों इंजेक्शन मिलाकर नहीं लगाना, अलग अलग इंजेक्शन करके लगाना है। और हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पेन किलर इंजेक्शन की कैटेगरी है, जिसमें जो पहला इंजेक्शन आता है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन आता है, और दूसरा जो इंजेक्शन है ट्रामाडोल इंजेक्शन है। तो ऐसे दो इंजेक्शन है जो पेन के लिए यूज किए जाते हैं और ड्रिप के अंदर मिला सकते हैं। तो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन जो होता है वो जनरल प्रिपरेशन का जो होता है कभी भी ड्रिप के अंदर नहीं लगाई जाती है, इसके लिए एक अलग से प्रिपरेशन आती है जिसके अंदर जो होता है AQ लिखा मिलेगा आपको। तो AQ का मतलब जो होता है एक्वा, यानी एक्वा प्रिपरेशन जो है वो डाइक्लोफिनेक वही लगाई जाती है, जनरल प्रिपरेशन नहीं लगाई जाती है। और दूसरा जो इंजेक्शन हमारा है ट्रामाडोल इंजेक्शन है, ये भी पेन किलर है, लेकिन ये जो होता है हैवी पेन किलर है। जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। डाइक्लोफिनेक से बहुत ज़्यादा हैवी पेन किलर होता है या स्ट्रांग होता है। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसे अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो तो ये इंजेक्शन बहुत फेमस इंजेक्शन है और ड्रिप में आप इसको लगा सकते हैं, जो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। इसके अंदर दो साल्ट होते हैं जिसमें पहला जो होता है इटोफाइलिन एंड जो दूसरा होता है थियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन होता है। किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है तब इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है डायुरेटिक, जिसके अंदर जो होता है फेरोसेमाइड डायुरेटिक वो ड्रग होते हैं जो यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो यूरिन के अमाउंट को इनक्रीज कर देते हैं जो लैक्सिक्स नाम से बहुत ही फेमस है। ये कब यूज किए जाएंगे, जैसे किसी व्यक्ति को किडनी रिलेटेड डिजीज हो तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, और किसी के जो होता है ब्लड प्रेशर हो ज़्यादा हो गया हो तो इसका यूज किया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए फेरोसेमाइड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो मल्टीविटामिन इंजेक्शन की कैटेगरी है, तो इसको MBI के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन येलो कलर का होता है और जैसे ड्रिप के अंदर लगाया जाता है तो उसका कलर जो होता है येलो यानी पीला हो जाता है। इसका यूज जो जैसे होता है किसी को कमजोरी हो, भूख ना लग रही हो, चक्कर आ रहा हो, तो ड्रिप इसको लगाया जाता है। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है मेथाइकोबालामिन का इंजेक्शन है, जिसे ही ड्रिप के अंदर इसको लगाते हैं इंजेक्ट करते हैं तो उसका कलर जो होता है रेड हो जाता है, और इसका यूज जो किया जाता है जैसे अगर किसी व्यक्ति के नसों में खिंचाव हो गई हो और उसी की वजह से दर्द हो रहा हो तो इसका यूज किया जाता है।
जो नेक्स्ट इंजेक्शन है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी ड्रिप के अंदर लगा सकते हैं और इसका यूज जो किया जाता है खून को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये इंजेक्शन सबसे ज़्यादा एनएस यानी जो होता है नॉर्मल सलाइन में यूज किया जाता है। एनएस के अंदर जब इसको लगाया जाता है तो इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही बढ़िया आता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये केवल इंजेक्शन जो है आईवी इंजेक्शन है, इंट्रावेनस ही जो ड्रिप के अंदर लगाया जा सकते हैं, आईएम इंजेक्शन ड्रिप के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।